तरह की इत्तलात मौजूद हैं। जुल्करनैन, जुल्करनैन से बात करते हैं और यहाँ पर हम बहुत सारी दफा ये डिस्कस कर चुके हैं। अगेन मैं आप तमाम लोगों का इस पर पॉइंट लेना चाहूंगी, जो ये इस्तदा कर दी गई है मलिक साहब, जिस वजीर आजम के ऊपर अदम एतमाद पड़ी हो, वो तो इतना बड़ा फैसला इतनी सुप्रीम पोस्ट को इस तरह से उसका वजीर आजम का बाई लॉ तो सिर्फ असेंबली तोड़ने का इख्तियार तलब होता है, लेकिन क्योंकि डेढ़ घंटा उनकी मुद्दत में बाकी और वो एक आर्मी चीफ को फायर करने की अगर कोशिश करते हैं तो कोर्ट इसको मैलाफाइडी इंटेंट करार देते हुए मेरे तो ख्याल में अंडू कर देगी। लेकिन ये इन एंटीसिपेशन है, अभी तो ऑर्डर आया ही नहीं कि उन्होंने रिमूव कर दिया। मैं तो आपको ये शाम से कह रहा हूं कि ये इस्लामाबाद के हर गली मोहल्ले में ये बात इस वक्त चर्चा है कि ये चीज होने जा रही है, स्पेशल कैबिनेट मीटिंग इसलिए कॉल की गई थी। तो ये करते हैं तो ये सुसाइडल एक्ट नहीं करना चाहिए, ये इट्स टू बैड, कोर्ट इसको रिवर्स कर देंगी क्योंकि इनकी मुद्दत सिर्फ डेढ़ घंटा बाकी है और वो मैलाफाइडी इंटेंट करार देते हुए, क्योंकि उस देखें फर्दरेंस ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ये उसने ऊपर प्रेयर मांगते हुए ऊपर टाइटल में लिखा है कि आपने सियासी मकासद के लिए करने जा रहे हैं, तो कोर्ट को पता है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, वो उसको रिवर्स कर देगी तो प्राइम मिनिस्टर क्यों बिला वजह एक इंस्टीट्यूशन के साथ। जब आज आप बैठे मलिक साहब तो आपने 1992 की मिसाल से आगाज किया है।